कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा। आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पर अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है, और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए, 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, आपको पसीना होता है। हम क्या बोले आप लोग को, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देखकर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। लास्ट में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।